आजही 24 तास एक पाऊल पुढे। झी न्यूज वरती आरोप करणारे काँग्रेसचे खासदार नवीन जिंदाल यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली। या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी एक सीडी दाखवली, मात्र त्यांच्यावरती पत्रकारांनी प्रश्नांची सरबत्ती करताच त्यांची भंभेरी उडाली। एवढंच नव्हे तर जिंदाल यांनी जीवे मारण्याची धमकी दिलेले आरटीआय कार्यकर्ते रमेश अगरवाल यांनी प्रश्न विचारताच जिंदाल यांनी चक्क मागच्या दरवाजानं पळ काढला। काय आहे हे प्रकरण ते जाणून घेऊया। जिंदल का वो स्टिंग ऑपरेशन जो कि थोड़ी देर पहले नवीन जिंदल ने भी आपको दिखाया होगा, हम आपको बताएंगे कि उस स्टिंग ऑपरेशन के पीछे की सच्चाई क्या है और हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे नवीन जिंदल बेनकाब हो जाएंगे इसी स्टिंग ऑपरेशन के जरिए। थोड़ी देर पहले नवीन जिंदल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, स्टिंग भी दिखाया, लेकिन किसी भी पत्रकार के एक भी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि जवाब देने के लिए मन के अंदर सच्चाई होनी चाहिए। यहां हम यानी मैं और समीर आलूवालिया इस वक्त आपके सामने खड़े हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम सही हैं और इसीलिए किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। वो जो पूरी सीडी है, उस सीडी के बारे में मैं चाहता हूं कि समीर आपको बताएं कि क्या है उस सीडी का सच। समीर सुधीर, 10 तारीख को जो मेरी पहली मीटिंग हुई थी वो जो उनके कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन हेडर रवि मुथरेजा के साथ, वहां उन्होंने मुझे 25 करोड़ रुपए देने की पेशकश की। उन्होंने बोला 25 करोड़ रुपए तू ले और सारी खबरें रोक दे जिंदल ग्रुप के खिलाफ जो हम चला रहे हैं। उसके बाद मैंने उनको जब मना किया तो उन्होंने बोला हम आपके चैनल के साथ जी न्यूज लिमिटेड के साथ एक एडवर्टाइजिंग डील करते हैं। मैंने उनको साफ करा कि हम ऐसे कोई डील में इंटरेस्टेड नहीं है, हम तुमसे मिले हैं सिर्फ आपकी स्टोरी जो हम चला रहे हैं उसका वर्जन लेने के लिए। आपको याद होगा उसके अगले दिन सुबह जब हमारा रिपोर्टर नवीन जिंदल के पास पहुंचा तो जो आपने जब तस्वीरें दिखाई हैं उन्होंने हमारे रिपोर्टर के साथ हाथापाई करने की कोशिश करी, कैमरा हमारा नीचे गिरा दिया। 11 तारीख को दोपहर को जब मेरी आपसे मुलाकात हुई हमने डिसाइड किया कि देखते हैं कि आदमी जो 25 करोड़ रुपए देने को तैयार है एक चैनल के एडिटर को वो किस हद तक बिक सकता है अपनी खबरें रुकवाने के लिए। तभी सुधीर और मैंने डिसाइड किया कि हम इनसे 100 करोड़ रुपए का एक डमी कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे एडवर्टाइजिंग का और देखेंगे कि क्या नवीन जिंदल 100 करोड़ रुपए देकर अपने खिलाफ जो जी न्यूज खबरें चला रहा है कोलगेट स्कैम की वो रुकवाने के लिए तैयार होता है कि नहीं। उसी के बाद हमने उनके बार बार फोन आए जब हम स्टोरी लगातार चला रहे थे, उन्होंने मिलने की पेशकश की। 13 तारीख को मेरी मीटिंग हुई उनके जो CFO डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सुशील कुमार मारू के साथ और एक विवेक मित्तल नाम के एक सज्जन है, ये दोनों लोग नवीन जिंदल को डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं। इन्होंने मुझे फिर पेशकश की कि आप चाहो तो आप अलग से हमारे साथ डील कर सकते हो और मैंने बोला नहीं, अगर अब आप एक डमी हमें कॉन्ट्रैक्ट भेजते हैं आपको जो हमने पहले डिसाइड किया था एक डमी कॉन्ट्रैक्ट होगा और आप एक एडवर्टाइजिंग डील जो आपने आप पेशकश की आपके जो कुलीग रवि मुथरेजा ने हमें एडवर्टाइजिंग डील की बात की है क्यों ना हम एक उस एडवर्टाइजिंग डील पर बात करें। हमारा मकसद साफ था, हम एक डमी कॉन्ट्रैक्ट 100 करोड़ रुपए का साइन करा के दर्शकों को दिखाना चाहते थे कि नवीन जिंदल ग्रुप 100 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है ताकि उसके खिलाफ खबरें रुक जाएं। और अब आपको दिखाते हैं नवीन जिंदल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक और तस्वीर जब नवीन जिंदल सवालों से बचकर पीछे के दरवाजे से भाग निकले। ये उस वक्त की तस्वीर है जब छत्तीसगढ़ के आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश अग्रवाल को देखकर नवीन जिंदल अचानक घबरा गए। रमेश अग्रवाल बार बार जिंदल से सवाल पूछते रहे लेकिन कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीछे के दरवाजे से तुरंत भाग निकले, उन्होंने मीडिया के भी किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। आपको बता दें कि आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश अग्रवाल पर कुछ महीने पहले ही जानलेवा हमला हुआ था और इसका आरोप नवीन जिंदल पर लगा था। आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश अग्रवाल वही एक्टिविस्ट हैं जो लगातार आरटीआई के जरिए नवीन जिंदल के उल्टे सीधे कामों का पर्दा और डिफेमेशन का आरोप लगाया। मुझे मेरी बातों का जवाब चाहिए, ये अत्याचार, ये धोरण। जी 24 तास एक पाउल पुढ़े।